ओके, नृप पाटकर का सवाल, ये अदानी विल्मर पे सवाल पूछना है और 75 शेयर हैं इनके पास, 619 के AWL, तो मैं ख्याल में अदानी विल्मर ही हुआ, 619 पर है। मानस कैसा लग रहा है आपको, लॉस बुक करें क्या, ये पूछ रहे हैं। देखिए, इतना चांस ले लिया आपने, 600 रुपए वाले स्टॉक निकाल से नीचे 290 रुपए तक चला गया था, तब तक आप होल्ड करे रहे तो अभी भी बने रही है, क्योंकि पिछले करीब 5-6 दिनों में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज जरूर आया है, चाहे वो वीकली चार्ट हो चाहे वो डेली चार्ट हो। स्टॉक ने आज 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई है, लेकिन वीकली चार्ट बेहतर बन रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। अब आपको स्टॉप लॉस अगर रखना चाहे तो 330 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, लेकिन अगर ये 360 रुपए के ऊपर जाएगा तो कम से कम 440 रुपए तक के भाव आपको ठीक है, स्टॉक। सवाल लेते हैं मनीला से, फिलीपींस से, जी और अडानी विल्मर के शेयर हैं इनके पास 140, 721 बाई 16, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, लेकिन चलिए आप उसमें अडानी विल्मर पर राय दीजिए। देखिए, ग्रुप के काफी सारे शेयर काफी कुछ अच्छा कर ले गए खराब न्यूज आने के बाद, और उसको पचाने के बाद फिर काफी सारे अच्छे से चल भी गए, पुल बैक कर लिए, कुछ ने नया हाई भी मार दिया। ये स्टॉक पता नहीं क्यों अभी तक तड़प रहा है, तो ये मुझे लगता है कि भाई ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छे संकेत नहीं है, कुछ नया इसमें उतना स्ट्रांग बन के आ नहीं रहा है, तो ऐसे केस में ये लगता है कि भाई आप इसको या तो अवॉइड करिए, मेरे हिसाब से तो उसको थोड़ा अवॉइड ही करिए यहाँ पे फिलहाल, और नया कुछ मत करिए, पुराना जो है उसमें बने रहे, बट नया कुछ ना करें मेरे हिसाब से। के अनाभ्र